माननीय जो एक कानून आज तक चलते थे इसमें कुछ शब्द थे जो आजाद भारत की आत्मा को आहत करने वाले थे। यूनाइटेड किंगडम की संसद, प्रांतीय अधिवेशन, क्राउन के प्रतिनिधि, लंदन गजेट, ज्यूरी, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। हर मैजेस्टी सरकार लंदन गैजेट की द्वारा निहित की गई प्रक्रियाएं, ब्रिटिश क्राउन का अपमान, इंग्लैंड के न्यायालय की परंपरा और हर मैजेस्टी रोमानियन और बैरिस्टर शब्द का भी उल्लेख था। मान्यवर, ये सारा 75 साल तक इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में चला गया, कांग्रेसियों की नजर नहीं पड़ी। मोदी जी को इस देश की जनता ने 14 में देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया और 19 से 24 पूरी चर्चा होकर मैं आज कह सकता हूं ये तीनों कानून, उनकी आत्मा भी भारतीय है, उनका शरीर भी भारतीय है और उसकी सोच भी भारतीय है। मान्यवर, संपूर्ण भारतीय कानूनों को लेकर मैं आज इस सदन के सामने हूं। हमने ICGS के माध्यम से लगभग 8 करोड़ जितनी FIR का डेटा ऑनलाइन कंप्यूटर में डाल दिया है और ई कोर्ट के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, ई प्रिजन का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, ई प्रोसिक्यूशन का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और ई फॉरेंसिक हो चुका है। तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, प्रोसिक्यूटर की ऑफिस, जेल, कोर्ट और पुलिस थाना और गृह मंत्रालय सभी आज जुड़े हुए हैं। अब इस कानून के इंप्लीमेंटेशन के अंदर कोई तकलीफ नहीं और इसके इंटर पिलर इंटीग्रेशन के लिए भी ढेर सारे प्रयोग अभी चालू है। लेटेस्ट तकनीक का उपयोग करके इंटर पिलर इंटीग्रेशन भी हम करने जा रहे हैं और अन्य डेटाबेस के साथ भी इसका एकीकरण कर रहे हैं। माननीय, नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट डेटा वो भी अब एकीकृत हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस वो डेटा भी इंटीग्रेट हो जाएगा, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा, नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर मैक वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा, तो सारी आर्थिक गुना की चीजें भी इंटीग्रेट हो जाएगी, इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग ऑफ टेररिज्म मॉट वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा, नेशनल डेटाबेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा, ट्रैक चाइल्ड वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा, इमिग्रेशन वीजा और फॉरेन रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम IVFRT वो भी इंटीग्रेट हो जाएगी, वाहन सारथी और देश भर के सारे CCTV कैमरा चाहे कहीं पर भी लगे हो वो भी इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। और इसमें से मैं बड़े गौरव के साथ बताना चाहता हूं मान्यवर, 82% काम बिल पारित होने के पहले समाप्त कर दिया गया है और बाकी 18% है वो भी एक साल में हो समाप्त। जो लोग कहते हैं कब आएगा, कब, भाई ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है जो साइमल्टेनियस काम करती है, प्लानिंग के साथ काम करती है, नतीजे लाती है। ये कांग्रेस पार्टी को मैं बचपन से ही मालूम नहीं क्या था, कुछ संस्कार होगा, कांग्रेस का विरोधी रहा। मेरी आइडियोलॉजी में जुड़ने से पहले भी कांग्रेस मुझे पसंद नहीं आती थी, कुछ नहीं मालूम था मान्यवर, तब से मैं विरोधी रहा।
मगर मैं बारीकी से उनको देखता हूं। जब जब वो सत्ता पर आते थे 124A मतलब राजद्रोह का बड़े मौत से उपयोग करते थे, और जब सत्ता के बाहर जाते थे तो कहते थे कि 124A तो कॉलोनियन कानून ने इसको निरस्त कर दिया, मगर फिर सत्ता पर आते थे तो 124 का उपयोग करते थे। इन्होंने राजद्रोह को कभी समाप्त करना नहीं चाहा। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार आज इस देश के कानून से राजद्रोह को हमेशा के लिए समाप्त।